हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ। मैं हूँ शेफ और आज बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है और टर्बो को देखो, वो बारिश में बैठा हुआ है, मज़े ले रहा है बारिश के। तो आज हमने सोचा क्यों ना जो स्प्राउट किए हुए चने हैं उनकी सब्जी बनाई जाए, और किस तरह से थोड़ा अलग तरीके से हम बनाएंगे जिसमें कि हमें इन्हें जो है प्रेशर कुकर में नहीं डालना पड़ेगा और फिर भी सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से चने बन जाएंगे। ये चने मैंने 2 दिन पहले भीगने डाले थे, फिर 1 दिन स्प्राउटिंग के लिए रखे कपड़े में डाल करके। कपड़ा जो है आप मलमल का कपड़ा लें या कोई कॉटन का कपड़ा लें। यहाँ पे हमें प्याज, टमाटर और मिर्च चाहिए होगी इसको बनाने के लिए। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, ऑयल को यहाँ पे गर्म होने देते हैं। तब तक हम प्याज के छिलके उतार लेते हैं और टमाटर को भी साफ कर लेते हैं। टमाटर और प्याज का बीच वाला हिस्सा हमेशा ही निकाल दें क्योंकि ये खाने में भी कोई टेस्टी नहीं होता है। अब चने बनाने के लिए हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है। जब तेल एकदम गर्मा गर्म हो गया, बेसिक मसाले हमने कुछ साथ में डाल देने हैं, कुछ ऊपर से डालने हैं, और साथ में ही हमने यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में चने को छोंक देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे बस हमने जीरा डाला और जीरे के बाद चने डायरेक्ट तेल में डाल दिए। अच्छी स्प्राउटिंग के लिए चनों को 1 दिन पहले भिगो के रखें और उसके बाद 1 दिन के लिए स्प्राउटिंग के लिए कपड़े में डाल करके रखें। अब यहाँ पे हमने बेसिक मसाले डाल देने हैं जो कि है नमक, हल्दी, गरम मसाला, साथ में मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और अब इनको थोड़ा सा ढक करके पकने के लिए रख देते हैं। तब तक हम टमाटर प्याज को चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाइसर का यूज़ कर रहे हैं इसको चॉप करने के लिए। इसका यूज़ करने से ना बड़ी जल्दी एक तो डाइसिंग हो जाती है जिससे टाइम भी बच जाता है, और इक्वली जो है आपके कोई भी कटिंग है वो हो जाती है। और मुझे डाइसर इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कटिंग अच्छी हो जाती है, दूसरा हाथ गंदे नहीं होते, तीसरा साफ़ सफाई से काम हो जाता है। इसके साथ एक कॉम्ब आती है जिसकी हेल्प से आप जो है ना एक साइड को या यहाँ पर फंस जाए ना कुछ भी डाइस करते हुए तो उसको आप नीचे कर सकते हैं। हमने मिर्चें भी अब इसी में ही डाइस कर देनी है। अब देखिए जो चने हमने रखे थे ना वो बिना पानी के रखे थे। अब थोड़ा सा टाइम के बाद हल्का सा ही पानी इसमें डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस इनको हमने हल्की हल्की आंच पे सुखाना है इनको और पकने देना है। तो जब तक ये काम हो रहा है आपको एक और चीज़ बताते हैं, अलग तरह से आटे के फुलके बनाना जिसको हमारे हिमाचली में तिंदड़ बोलते हैं, जो कि मीठे भी बनते हैं और नमकीन भी बनते हैं, या बिना मीठा या नमकीन डाले आप सिंपल भी बना सकते हैं। तो किस तरह से रोटी बनती है लिक्विडी बैटर के साथ आपको आज दिखाते हैं। यहाँ पर हमने आटा लिया जिसमें कि हम धीरे धीरे पानी डाल करके उसका घोल तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, कोई उसमें आपको नीडिंग की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप इसका पेस्ट बना लीजिए एक तरह से, जो कि बड़ा पतला भी ना हो और बड़ा गाढ़ा भी ना हो, एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी उसमें हो। लम्स को अवॉइड करवें जितना हो सकता है, उसे अच्छे से थोड़ा सा घुमा के लम्स को ज़रा सारा का सारा निकाल दें। तो रोटी के लिए यहाँ पर लिक्विडी बैटर भी अब हमारा तैयार हो रखा है और साथ में दूसरे इंडक्शन पर रखे हुए चने भी अब तैयार हैं। उनको हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कितने सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिलाने के बाद ये आपको मैं चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए ये चना जो है मैंने प्रेस करा हाथों से, बड़े आराम से ये जो है प्रेस हो गया। अब देखा बिना हमने पानी से या बॉईल किए चने अच्छे वाले बना लिए। अब जब इन चनों को आप खाओगे ना तो ये क्रिस्पी से चने बनेंगे और इसका टेस्ट भी अलग होएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा टेस्ट आएगा। ऊपर से अब हम टमाटर प्याज डाल देंगे और मिर्च डाल देंगे। अब इसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, जस्ट सॉफ्टनेस ही उसमें आ जाए लेकिन उसका क्रिस्प ख़त्म ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे चने तो एकदम बन के तैयार हैं। अब हम लिक्विडी बैटर से रोटी बनाना सीखते हैं। यहाँ पे मैं नमकीन तिंदड़ बना रही हूँ जिसमें कि मैंने हल्का सा नमक डाल दिया स्वादानुसार और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और थोड़ी सी अजवाइन भी आप डाल सकते हैं जैसे कि आप परांठों में डालते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे। अगर नहीं पसंद है तो ना डालें, आराम से बन जाएगी, वो भी अच्छी क्रिस्पी रोटी बनेगी। यहाँ पे हम तवे को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख देते हैं। आज हम तवे पे और रोटी मेकर पे तिंदड़ बनाने सीखेंगे। रोटी मेकर पे भी आप बड़े आराम से बना सकते हो, किस तरह से वो आपको साथ में दिखाते हैं। पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि मुझसे यहाँ पे बैटर गिर गया था तो अच्छा नहीं लग रहा, साफ़ सफ़ाई भी ज़रूरी है ना काम करते करते। तो सबसे पहले हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालना है, और ऑयल डालने के बाद हमने ये बैटर अपने रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग डाल देना है और उसको पतले पतले इस पर फैलाना है। सेम वैसे ही जैसे कि चावल का डोसा बनाते हैं उसी तरह से फैलाना है, बस ये रोटी आटे की है।
तो जब तक तवे वाली रोटी बनती है, हम रोटी मेकर को भी ऑन कर देते हैं और उसमें भी सेम वैसा ही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे जैसा कि हमने तवे पे यूज़ करा है। जो यहाँ पे हमने आटा लिया वो मल्टीग्रेन आटा लिया हुआ है, आम जैसे कि घरों में जो मिलता है, आप उस आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैदे वाला आटा नहीं है, आप नॉर्मल आटे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे रोटी मेकर पे अब हमारा तेंदड़ बनने को तैयार हो रहा है और जो तवे वाला है वो बन गया है, उसको हमने फ़्लिप कर देना है। देखो कितने आराम से यहाँ पे फ़्लिप हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और बड़े आराम से बन जाता है। तो इसे आप, अगर आपको लगता है ना कि नीचे वाली साइड थोड़ी कच्ची रह गई है, तो आप दूसरी साइड वाले को पका करके इसको फिर से फ़्लिप करके दोबारा से पका सकते हैं। और अब आती है रोटी मेकर वाली रोटी की बारी, इसको भी फ़्लिप कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्रिस्पी ये भी बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हमने ढेरों इस तरह से रोटियां बना ली हैं लिक्विडी बैटर से, आप यहां पे देख सकते हैं। अब इसको सर्व करेंगे हम जो हमारे बने हुए चने हैं, जो कि अलग तरीके से थोड़े से बने हैं, और जो जॉब करते हैं ना उनके लिए बहुत सही ऑप्शन है। सुबह सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना, तो इस तरह से नाश्ता बना के आप जल्दी जल्दी अपना टाइम सेव कर सकते हैं और यम्मी हेल्दी नाश्ता भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट खाने लगी हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी।